स्टार प्लस के सीरियल बन्नी चाओ होम डिलीवरी में घर में हो रहा है तमाशा। असल में युवान को खाना खिलाने आज बन्नी नहीं बल्कि उसकी जगह नियति आई है और वो युवान को खाना खिलाने की कोशिश में लगी है। बेला फुसला के वो युवान को खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन युवान किसी के हाथ से खाना नहीं खाता और शुरू करता है नया ड्रामा। यानी फिर एक बार मालिनी का प्लान हो गया है फेल। भाई तभी वहाँ पर बन्नी आती है और सिचुएशन को संभालती है क्योंकि युवान तो फिर एक बार अपना दुख लेकर बैठ गया था और सैड होकर वायलिन बजाने लग गया था क्योंकि युवान को तो बस चाहिए बन्नी। मैं बताती हूँ, उदास ये इसीलिए है क्योंकि युवान जो है वो अपने कमरे में खाना नहीं खा रहे हैं और मैं चाहती हूँ और जो इस घर के गंदे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि युवान नियति से खाना खा ले। और हमारा बेसिकली यही है कि बन्नी इस घर से बाहर चली जाए, हमारी बस यही प्लानिंग चल रही है फिलहाल। तो मैं चाहता हूँ बन्नी रहे, यहीं पे रहे हमारे साथ। तो मेरे टीम पे दादू सा और है युवान, ये चाहते हैं कि मैं इस घर से ना जाऊँ। एक टीम में हम दोनों, एक टीम में। पर आपको तो पता ही है कि बन्नी की बात और बन्नी के हाथों का स्वाद दोनों ही खराब है और मैं यहाँ से जाने नहीं वाली हूँ। खरा नहीं हुए, खरा हुए। खरा हुए। खरा हुए। खरा मतलब सही हुए। हम लोगों का प्लान खरा हम करेंगे। करो करो, मैं उसे किसका प्लान खरा होता है किसका मीठा, सच की जीत होगी ये बात तय है। ये बात बेटा, इतने सालों में पहली बार इस छोरे ने जीत करी है बाहर जाने की। जो अगर बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो रही हो ना तो अपने संग ले जा। प्लीज बन्नी को तंग तो ना करेगा ना? थोड़ा भी नहीं दादू, थोड़ा भी नहीं। ले जा बेटा, मारे को थारे पे पूरा विश्वास है बेटा। ठीक है साहब, ले जाऊंगी। बन्नी युवान को मंदिर के लिए लेकर निकल गई। उसे भगवान से जितनी ज्यादा प्रेयर करनी है उसे करने दो, लेकिन मेरे प्लान के आगे कोई प्लान चलने नहीं वाला। अब तो भगवान भी उसे इस घर में दोबारा नहीं ला पाएंगे। हद हो गई, समू जी के घर की डोरबेल इतनी ऊंची किसने कर दी? युवान, ये क्या कर रहे हो? बचाओ, बचाओ। ये क्या कर रहे हो युवान?